Hey guys, what's up? This is Rap Street Teacher aka Bad Moody. कि अभी मैं रिएक्शन करने वाला हूँ, रिएक्शन देने वाला हूँ राइजला क्लैंग, इनका स्टेज नेम है, गाने का नाम है ना राज, ना के बाद जो हाइफन है, जो डैश है उसके बाद राज, क्या मतलब है इसका? हाँ, पर इसके बारे में बात, नाराज, इसकी दो मतलब हो सकते हैं, नाराज मतलब नाराज, अपसेट सैड, और ना राज, ना को छोड़ दे हम, राज की बात करें, RAAZ, राज सीक्रेट। सो इस गाने के दो मतलब है, नाराज अपसेट और कुछ ना कुछ इसमें सीक्रेट है। सो ये थी गाने की बात, अब हम बात कर लेते हैं गाने के नाम की बात, अब बात कर लेते हैं या ऑफिशियल वीडियो 2021 प्रोडक्शन बाय ZVCK II, पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको मैं। गाना रिलीज़ हुआ था 14 फरवरी को, व्यूज़ हैं 3,997, ऑलमोस्ट 3,500, 158 लाइक्स, 9 डिसलाइक्स। यार डिसलाइक्स क्यों करते हो? आर्टिस्ट इतनी मेहनत करता है, आप डिसलाइक करके चले जाते हो। 14 फरवरी को आया था, मतलब कुछ तो इसमें राज है। चलो हम गाना सुनते हैं, या लेट्स प्ले इट। क्या नाराज, ओ भाई वीडियो वीडियो बहुत सही बनाई है, विजुअल्स बहुत बहुत सही है। देखते हैं बार्स लिरिक्स कैसे हैं। राइजला बहुत तगड़ी वीडियो भाई, बहुत तगड़ी वीडियो है। इट डिजर्व्स मोर देन 3.5K व्यूज, इट डिजर्व्स मोर देन दैट। खुदा के सामने मैं रोया था जंग के हालात में भी बोया था बोया, लाखों की भीड़ में अकेला मैं सोया था। पागल दीवाना ये करता भी क्या अब, दिल के अंधेरों से लड़ता भी क्या अब, फंदा लगाने गम भरता भी क्या अब, फर्शों पे सर रख कर खलता भी क्या अब, सहलता भी क्या अब, नज़म ही इबादत फिर राग में है आदत, मसला भी खुद से अब रंग में है शहादत, ना कच्ची इमारत अनगिनत पारा, अनगिनत पारा, ना कीना ना रास, ना कीना ना रास, नकीना नाराज से दिल पे लग रहा है। ये दिल की भड़ास है भाई, शराब ने सहारा दिया, ये सही था ये वर्ड प्ले यहाँ पे। ब्रह्मांड सर्वनाश, जब इंसान का दिल टूटता ना भाई तो सब बेकार लगता है। बैठा था अंधेरे कोने में, कोना था घेरा, राजों के पन्नों को सुन के मैं बहरा, हाथों का खून कुछ मुझसे कह रहा, कुछ था सुनहरा समंदर था प्यासा। पॉज करता हूँ इसको, मैं फिर से प्ले करता हूँ, 10 सेकंड पीछे आता हूँ। हाथों का खून कुछ मुझसे कह रहा, कुछ था सुनहरा समंदर था प्यासा, कुछ मुझसे कह रहा, कुछ कह रहा सुनहरा सा, दुआ सा है जासा है। डीप मीनिंग है भाई, बादल बिखरा दुआ सा है जासा है जासा, बनते तमाशा तलाशा है खुद को, बनके तमाशा तलाशा है खुद को, हर सुख को सही बात, नकारा नकारा रुख को नकारा, खुद को नकारा सुख को, नकारा खुद को नकारा सुख को। कसमें और वादे थे टूटे के नारे थे, टूटे पैमानों पे झूठे इशारे, दिल टूटा है भाई, नारे थे गलत, जब आर्टिस्ट का दिल टूटता है ना तो गाने निकलते हैं। बेचारे बाप को चोटे का पाठ पढ़ा रहे थे, चलते अंधेरे थे रातों को, दिन दिन के काटे थे रस्तों पे, छाटे थे फर्क के कांटे पे, बैठा मैं आके देखा जी फाड़ जी फाड़, शम्मा सा लड़का ये कण कण में कड़का, अब धड़कन में धड़का तो सरगम में चर्चा, अब नजरों का पर्दा, धड़कन में धड़का तो सरगम में चर्चा, खतरा ना पहला ना सतरा, बढ़िया दिया रास्ता, बस्ते में क्रशा तो फर्चे में कस्ता, मस्ता मस्ता नगीना ये मेरा। भाई एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मैं पॉज कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ कि वीडियो बहुत सही शूट करी है। वीडियो शूट करने वाले को भी, एडिटिंग करने वाले को भी भाई शाउट आउट, क्योंकि मेहनत लगती है, पूरी टीम की मेहनत है भाई, पूरी टीम की मेहनत है। नगमा लगता ये नगमा गलत था, जो भी था जैसे ये रब का मलंग था, पर मैं ना फलक पे अब रखता कोई तारा, तारा भी लगता मुझको नकारा, रिजला बहारा था वो नकारा नकारा। ये वर्ड काफी बार यूज किया गया, नकारा नकारा, मतलब जब इंसान कोई एक फील करता है, इग्नोर्ड फील करता है, तो नकारा वही मतलब हुआ ना, नकारा।
तो यार लगता है कि भाई अपने आर्टिस्ट को चोट लगी है, और चोट लगी है तो ये गाना आया है उस चोट के घाव को भरने के लिए। यार जब भी आर्टिस्ट को चोट लगती है गाना निकलता है, बम फूटता है। मेरे अरमानों का टूटा नजारा, पूरी पहन ली, गाना खत्म। विजुअल्स भाई अनब ठाकुर, मिक्स मास्टर 3D, स्पेशल थैंक्स कौन है, DVM ईशु सोलोमन, नितिक सोलोमन, अनिकेत जैन, ऋतिक शेर के। भाई आप सभी को शाउट आउट, अ वंडरफुल टीम वर्क, मैं कहूँगा अ वंडरफुल टीम वर्क। अब बात करते हैं गाने के बारे में। इसमें एक स्टोरी थी, इसमें एक स्टोरी पिरोई गई थी स्टार्ट से लेकर एंड तक। इन्होंने अपने बारे में बताया कि कैसे मैं इग्नोर फील करा, और इन्होंने अपने आप को ऐसा भी नहीं कि एकदम डाउन कर दिया, इन्होंने एक जगह वर्ड यूज़ किया था कि बाप को वो -- सिखा रहा है ना, मतलब इन्होंने अपने को डाउन भी फील नहीं करा। इसमें ये दिखा रहा है कि कैसे मुझे धोखे मिले, मुझे इग्नोर किया गया, और उसके बाद कैसे मैं वापस आया, कैसे मैंने खुद को संभाला, कैसे मैंने खुद को नीचे नहीं गिरने दिया। और एंड दिस इज माई कैपेसिटी, दिस इज माई कैपेबिलिटी, एंड दिस इज वॉट आई एम केपेबल ऑफ। और ब्लैक एंड वाइट विजुअल्स यूज़ किए गए हैं जो कि काफ़ी सूट कर रहे हैं इस वीडियो को, क्योंकि इसका थीम डार्क है। कुल मिला के एक बढ़िया सॉन्ग था, एंड इट डिजर्व मोर देन 3.5K व्यूज़। और जो 9 लोगों ने जो अनलाइक करे हैं भाई, मुझे उन पर तरस आ रहा है कि यार कोई बंदा इतना मेहनत करके गाना बना रहा है, हाँ पूरी टीम लगी हुई है, और आप अनलाइक डिसलाइक क्या है ये यार, इनको यार पकड़ो पकड़ो इनको। चलो, और जो डिसलाइक करते हैं, मैं तो कहता हूँ उनको कमेंट करके बोलना चाहिए कि भाई किस लिए तुम डिसलाइक कर रहे हो, क्या पसंद नहीं आया। और बाकी इस पे कमेंट्स चेक करते हैं हम, 158 लाइक्स हैं। सब्सक्राइबर्स देखो 138 सब्सक्राइबर्स हैं। चलो मैंने भी सब्सक्राइब कर दिया अपनी दूसरी आईडी से, 139 हो गए अभी। देखो यार 3.5 के लोगों ने देखा, मगर ओनली 158 पीपल हैव लाइक्ड इट, तो ये आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं पता थोड़ा सा डीमोटिवेट करता है। कमेंट्स पढ़ लेते हैं, पिंड बाई राजला क्लाइंग ब्रॉस्की फुल पावर गैंग गैंग 2021, मतलब ये अभी शुरुआत है। संरित लाल फायर कीप इट भैया गालिब, गालिब ने कुछ लिंक शेयर किया है। फ्रॉम इंस्टा ब्रो राहुल डोंगरे, ये इंस्टा की पब्लिक है। नाइस ब्रदर, वीडियोग्राफी प्लस मिक्सिंग एंड मास्टरिंग प्लस बीट एवरीथिंग डोप, SLV क्रिएशन, डोप ब्रदर, हैट्स ऑफ फॉर द गाय हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वीडियोग्राफी। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, वही मैं कह रहा था भाई, तेरी वॉइस का टेक्सचर अच्छा है, परफेक्ट फॉर रैप, एग्जैक्टली, हार्ड, वेरी नाइस, बहुत शानदार, एकदम, माई मैन इज इन हिज फीलिंग्स, यस, एंड ही हैज वेरी वेल एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स। सुपर्ब लिरिक्स, सुपर्ब डिलीवरी, डिलीवरी, यस, आई फॉरगॉट टू मेंशन, डिलीवरी भी बहुत सही थी। यू रॉक द बीट, इतना स्लो होने के बाद भी कहीं पे मतलब इंसान बोर नहीं होगा। रैपचिक, नाइस एफर्ट्स, ऑल द बेस्ट, डोप डोप, ऑसम सिनेमेटोग्राफी, यस अक्षिता, वेरी मच अग्री विथ यू, दिस इज सो ऑसम, द सिनेमेटोग्राफी इज नेक्स्ट लेवल, यस, अमेजिंग सॉन्ग एंड अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी इट्स लाइक टंग ट्विस्टर। आग ब्रो हीट, एक नंबर, बेहतरीन, ऑसम ब्रो फार, एकदम। अब देखो मेरा कमेंट मैंने कुछ टाइम पहले किया था, ये ऐसा गाना है जो अंदर से झकझोर दे इंसान को। अमेजिंग वर्क ब्रो, यू नेवर डिसअपॉइंट, यस बिल्कुल, ये ऐसा गाना है जो अंदर से झकझोर दे इंसान, आत्मचिंतन करने लगे, सोचने लगे। और मुझे लगता है जब आर्टिस्ट ने गाना लिखा, वो मुझे पता थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो रही है, मगर सुन लो यार इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक तूफान मचा होगा, बहुत कुछ चल रहा होगा, और पूरे इमोशंस को उन्होंने एक जगह मतलब बाल्टी में, पेपर रूपी बाल्टी में उड़ेल दिया, और तब जाके ये गाना बनाया। सो विश यू ऑल द बेस्ट ब्रो, या सो गाइस टेक केयर, बाय बाय, और मेरा पेज फॉलो कर लेना, और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है रैप स्ट्रीट टीचर, इधर भी रैप स्ट्रीट टीचर, और स्टे कनेक्टेड यही कहूँगा मैं। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।